ये अहंकार रूपी कीड़ा कैसे जाएगा? कितना बंदा अहंकार में रहता है। अच्छा आप बोलोगे दीदी मैं कहाँ अहंकार में रहती हूँ, नहीं रहते हैं तो मेरे को अंदर में नहीं मालूम है मेरे कितने बच्चे हैं, मेरी शादी हो चुकी है। अरे पति की उन्नति पर भी माई जो है गर्व करेगी। No, my husband, no, he earns so much. My husband, no, travels here, travels there, ye, go, go. My child, no, does this and my child does that. नहीं, मेरी सेवाधारी तो ऐसे ऐसे हैं। आप मुझे बताओ हम कितनी चीजों पे इतराते हैं, थोड़ा अंदर जाके देखो। बहुत सूक्ष्म है संत, बहुत सूक्ष्म है। हम इस जर्नी में कहीं ना कहीं अपने आप को तो हम भूल ही गए हैं। We have lost it. We have lost our identity. We have lost it. We have become somebody else. We have become something else. We have become something which we have allowed the world to think of us as. आप समझते हैं? हमको क्या मतलब है? हमको क्या मतलब है बहन पने से, बीबी पने से, माँ पने से? ये सारे पने हैं संतों, कैच करो। ये अपनी जगह ठीक है, पर आपके लिए ठीक है क्या? इन कुर्सियों से क्या मिलेगा मेरे को? What am I going to get out of this? ये कुर्सी तो ठीक है सेवा के लिए है, लेकिन आपका असली स्वरूप कौन सा है? आप जागंती ज्योत हो, वो परमेश्वर हो जो कभी खत्म नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। उसके ऊपर तो आप पूरी एक स्टोरी लिख दोगे कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, पर क्या आपने अपने अंदर में उसका अनुभव किया? क्या आपने अपनी मैं का खत्म होने का दर्शन किया? क्या ये करने के बाद मेरे मन के सारे विकार खत्म होते हुए मैंने देखे? अगर नहीं भी देखा, भले विकार एक तरफ पड़े हो, पर मेरा स्वरूप तो आत्मा का है, इन विकारों से मेरे को मतलब भी नहीं है। ख्याल आते हैं जैसे सोल्जर्स मार्चिंग करते हैं, हम ऐसे बैठ के सल्यूट करते हैं सोल्जर्स को, ऐसे मैं भी अपने मन के ख्याल को सल्यूट करती हूँ। मेरे को मतलब ही नहीं है। जब मन मेरा नहीं तो उसके ख्याल मेरे नहीं, ख्याल भी जगत का प्रमाण है, और मैंने तो इस जगत से साइन ऑफ कर दिया है, मैंने तो इस जगत से साइन ऑफ कर दिया है। पता है कब साइन ऑफ करती है? जब मैंने क्या घोला, मिठाई घोल दी, मीठा घोल दिया। अब जगत क्या बन गया? मेरे लिए स्वर्ग बन गया। मेरे लिए वो जगत अब मिठास से भर गया। कौन सा मिठास से भर गया संतों? ब्रह्म रूपी मिठास से भर गया, सत्य रूपी मिठास से भर गया, जीरो एक्सपेक्टेशन वाले मिठास से भर गया। अब मैं वन वे ट्रैफिक पे हूँ, वन वे ट्रैफिक में आराम से मैं चल सकता हूँ, क्योंकि वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रैफिक कभी आएगा ही नहीं। कौन सा है वन वे ट्रैफिक? देना देना, खाली देना। समझ में आया? खाली देना। अंदर में गलती से भी कहीं मांग बचा तो नहीं है मन के अंदर? खोज करो संतों, खोज करो, दिन में उतर जाओ आप इस खोज में, अंदर ही अंदर। अभी भी कहीं मेरे अंदर में चाह की थोड़ा भी ट्रेस बाकी तो नहीं है? कहीं पे भी मेरे को एक्सपेक्टेशन तो नहीं है किसी और से? तो छोड़ो संतों, हमको तो अपने से ही है, हमको तो अपने शरीर से ही है। हमेशा जब तक ये शरीर जिंदा रहे, 100 साल तक का भी हो जाए, तो भी उसमें उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, ऐसे ही वो सुंदर दिखना चाहिए, उसमें उतनी ही शक्ति होनी चाहिए, उसमें बीमारी भी नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी बीमारी आती है तो मन इतना डाउन हो जाता है, हाय हाय मचाता है, भगवान से पुकार करता है। थोड़ी भी पीड़ा, हाँ यू आर राइट, फिजिकल पेन इज वेरी डिफिकल्ट टू बेयर, मैं वो बात नहीं बोलती हूँ, बेयरिंग की बात नहीं है। आप इमीडिएटली आप उसकी दवाई दारू करो, बिल्कुल पेन क्यों बेयर करना। लेकिन मन के अंदर जो मन दुखी हो जाता है ना, डर में आ जाता है ना, पूरा घर सिर पे जो खड़ा कर देता है ना, वो किस कारण है संतों? ये शरीर तो नाशवंत है ही ना, ये मशीन तो है ही ना। खाली मैंने ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो शरीर को कभी पीड़ा आई ना? ऐसे नहीं होता है। Why are we putting two things together? Why are you mixing ज्ञान with व्यवहार? ज्ञान is awakening, ज्ञान is knowing your true identity, ज्ञान is awakening into the isness, ज्ञान is personal, it is your समझ। However, व्यवहार,
जगत लाइफ दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम. व्हाई आर यू पुटिंग टू थिंग्स टुगेदर? अरे आज मेरे को इतनी शांति का अनुभव हुआ ना, जरूर मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है. ये क्या बात हो गई? मेरे मन में इतना आनंद है ना, मैंने तो अभी 10 साल से सत्संग सुना तो मेरे को तो बीमारी आनी नहीं चाहिए, घर में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. क्यों भाई? खाली मैं ही सीखूं, मैं आगे बढ़ूं? अरे हालत नहीं आएगी तो बंदे आगे कैसे बढ़ेंगे? उनके अंदर में भगवान भाव कौन जगाएगा? उनके अंदर में पुकार कब आएगी? दिस इज नॉट फेयर. और फिर मैं क्या बोलता हूँ, मैंने तो सुना, मेरे सारे घर वाले आ जाओ सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा होगा, अरे अरे तेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, तू बात तू सुन तो. पहले ही मैंने क्या करा, पुण्य का खात्मा कर दिया, उन्नति के रास्तों का दरवाजा बंद कर दिया. पहले ही मैंने क्या काम किया संतों, ये है जगत की वृत्ति. हर काम में उतरने से पहले फल को पहले बुद्धि में ले आना, फल को पहले अपने मन में टाइट पकड़ लेना. ये कौन सा ज्ञान है संत? ये ज्ञान नहीं है, ये जगत की ही वृत्ति, ये गंध को ही हम पानी दे रहे हैं. नहीं, ज्ञान का रास्ता अलौकिक है, अलग है. पहले आप उन्नति की ओर चलो संत, पहले आप निर्वासनिकता को समझो संत. ज्ञान सुना जो मन चाहता है, चाहने वाले मन को क्या होता है, वो मन बचता ही नहीं है. जैसे कि जब फूल आपको दिखाई देता है तो कब दिखाई देता है? जब उसका बड जो है वो खत्म हो चुका होता है. बड खत्म हुआ तब जाके तो फूल बना, बीज खत्म हुआ तब जाके तो दरखत बना, मन का नाश हुआ तभी तो सत का प्रकाश हुआ. Did we get this or not? आपने मेरी बात समझी? हर बात पे फल को जोड़ना नहीं है. टिपिकली ज्ञान के साथ हम फल को नहीं जोड़े संतों. ज्ञान व्यवहार, ज्ञान प्रारब्ध दो अलग चीजें हैं. ज्ञान प्रारब्ध से नहीं मिलता, ज्ञान आपकी शुद्धता से मिलता है. ज्ञान कम्स टू यू बाय लक, कृपा हमारे सिर पर हो जाती है. आपको क्या लगता है आप और मैं लायक थे जो मेरे को ब्रह्म गुरु मिले, ब्रह्म ज्ञानी मिले, मेरे को ब्रह्म का ज्ञान मिले? अरे ज्ञान तो बाद में, हम पहले आते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता. प्रेम का एहसास खाली वो समझ में आता है और हमारी प्रकृति अपने आप धीरे धीरे बनने लगती है. यू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रकृति? मतलब जो इर्द गिर्द जो मेरे खेल है, कई चीज अटकी होती है, हम मांगते नहीं है, पूछते नहीं है, पर वो अपने आप ठीक होने लगती है, हमको मजा आने लगता है. और एक और बात पे मजा ये आता है कि वी स्टार्ट फीलिंग अपलिफ्टेड, हम ही को अपने लिए एक अच्छी फीलिंग आती है. यार मैं इतना भी खराब नहीं, देयर इज अ नाइस फीलिंग अबाउट माय ओन एग्जिस्टेंस व्हेन आई एंटर इनटू अ प्योर करेक्ट होली कंपनी इन द ट्रू सेंस. समझ में आ रहा है? खाली वो होली कंपनी नहीं है जो खाली भगवान का नाम ले, वो होली कंपनी है जो हमको भगवान का मतलब समझा के भगवान नत्व में टिकाए. समझ में आया? भगवान नत्व में टिकाए. ऐसे होली कंपनी को शद शद प्रणाम है जो हमारे अंदर से गंध निकलवाए. एवरी एक्शन will automatically have an equal and opposite reaction. हमको reaction का सोचकर action में उतरना नहीं है. समझ में आ रहा है? Not always उतरना नहीं है. ज्ञान अपनी समझ का एक देन है, ज्ञान समझ का विषय है. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा शरीर बीमार ही नहीं होगा क्योंकि मैंने ज्ञान सुना, मेरे बिजनेस में लॉस ही नहीं होगा क्योंकि मैंने ज्ञान सुना, मेरे घर वालों का लाइफ हमेशा अच्छा 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 होगा क्योंकि मैंने ज्ञान सुना. नहीं, ऐसा नहीं है. हर बंदा सीखता है और सीखने के लिए गलतियां होनी जरूरी है, फिर हालत आना जरूरी है. नहीं तो मन मोह से, स्वार्थ से, एक्सपेक्टेशन से हाँ नहीं उठेगा, वो वासना से निर्वासना तक नहीं पहुंच पाएगा.
खटास उसको कैसे समझ में आएगी, वैराग उसको कैसे समझ में आएगा, घट घट वासी कैसे समझ में आएगा। अगर हमने किसी को आशीर्वाद दिया तो पहले अपने को आशीर्वाद देना, और अगर किसी को आशीर्वाद दिया तो कौन सा आशीर्वाद, खाली हाथ ऊपर करना आशीर्वाद देना नहीं है। हाथ ऊपर करो जरूर, पर अंदर में कौन सी भावना कि अरे बाबा मेरे अंदर में कौन सा दर्शन होता है, स्वयं ब्रह्म का ही दर्शन होता है। ऐसा भाव, ऐसा सत में रहना ही आशीर्वाद देना है। कुछ बुरा कभी होता ही नहीं है, बुराई में भी मेरे को ये बात समझ में आए। गलत कर्म होता है तो उस गलत कर्म का फल किसको लगेगा, जिसने गलत देखा उसको फल लगेगा, नॉट नेसेसरी जिसने किया। आपने बात समझा है ना, देखने वाला। आप अपनी दृष्टि बदलो संतों, हमको अपनी दृष्टि बदलनी है। जैसी मेरी दृष्टि है वैसी मेरी सृष्टि है ना। बहुत सुना पर अभी जानना है, जीना है इसमें। जैसी मेरी दृष्टि वैसी ही मेरी सृष्टि है। तो ये बात समझ में आई कि जस्ट बिकॉज हमने ज्ञान सुना ऐसा नहीं है। हमको एक्सपेक्टेशन सामने वाले से तो छोड़ो, अपने लिए भी होती है। तो सिर से पांव तक अपने शरीर को करो उस परमात्मा के हवाले, क्योंकि वो ही इस रूप में प्रकट होकर अपना खेल चलाता है। दूसरी बात, मन, मन का एहसास, अपने होने का एहसास और उसके साथ सारी जो जुड़ी बातें हैं और उसका जो एहसास हमको होता है, उसको भी करो उस परमेश्वर के हवाले। हरिओम शांति। उस परमेश्वर के हवाले मेरे को करना है ना। और फिर जो दृष्टा, जो जानता है, जो हर चीज देख रहा है, उस पर ध्यान कायम रखें। ये है अपने आप को चार्ज कराना, अपनी बैटरी चार्ज कराना। कितना सुंदर है ना संतों, जो आपके पास फोन है अभी, हम सब जो है अपने फोन द्वारा जूम को डाउनलोड करके इस अमृत का हम सेवन करते हैं, तो ये फोन से आप कितना सुख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब आप अगर बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को फोन को चार्ज करने का टाइम नहीं है, तो आप बताओ ये फोन आपको इतनी सेवा दे सकेगा? जितनी सेवा दोगे उतना उसको चार्ज करना पड़ेगा ना संत। ऐसे ही इस शरीर से, इस मन से मेरे को बहुत सेवा लेनी है और मैं बहुत सेवा लेता हूं ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास टाइम नहीं है सत्संग सुनने का, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर क्या होगा? 24 घंटे में से एक घंटा तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना। सुनेंगे नहीं तो चार्ज कैसे होंगे? अपने अंदर में दिशा ही नहीं होगी तो उस रास्ते पे चलेंगे कैसे? I have not identified the path, how will I walk on it? Do you understand? Identification comes in satsang. जब मेरे को उस रास्ते का मालूम ही नहीं है तो उस रास्ते पे मैं चलूंगा कैसे? रास्ता मेरे को गुरु दिखाता है और वो रास्ता आंतरिक है। नहीं तो हमें इंटरनल जर्नी सुनने में वो दो शब्द बहुत सुंदर लगते हैं, पर समझ में नहीं आता था। अपने संस्कार अच्छे थे तो बैठ जाते थे अपने साथ मेडिटेशन में, पर दिमाग में कोई ठंडक आती नहीं थी, स्वभाव में कोई चेंज आता नहीं था। भले रोना भी आवे, सब कुछ होएगा, पर अंदर में वो गहराई की शांति, the shift that I talked to you about that happens through wisdom alone will not happen through your own shown path of meditation. गुरु के साथ, ज्ञान के साथ मेडिटेशन बहुत सुंदर होता है, समझ वाला मेडिटेशन होता है, वो समाधान को लेके आता है। समझ में आया? कभी नहीं बोलना मेरे को टाइम नहीं है सत्संग के लिए, टाइम नहीं है वाणी के लिए, टाइम नहीं है अपने साथ बैठने के लिए, तो फिर भूल जाओ। फिर शरीर से भी इतनी सेवा नहीं लेना, मन से भी इतना सेवा नहीं लेना। जितनी सेवा उतनी बैटरी चार्जिंग,
रिक्वायर्ड नो, जितना आप फोन यूज करोगे उतना फोन को चार्ज करने की जरूरत है। आजकल तो संतों में देखती हूँ, अपने को भी और बहुत यंगस्टर्स को भी, क्योंकि पूरा जो है हर चीज फोन पे है ना, तो चार्जर को ले लेकर घूमना पड़ता है। थोड़ा 10 मिनट भी टाइम मिला, 1 सेकेंड ना मैं फोन चार्ज कर लूँ थोड़ा प्लीज, मैं 5 मिनट कहीं पे भी, अरे प्लग पॉइंट की तो जरूरत है ना, बिना प्लग पॉइंट के आप चार्ज कैसे करोगे, बिना सत्संग के आप अपने अंदर मेहनत कैसे करोगे। समझ में आता है, इतना हमको फोन को चार्ज करने की जरूरत है, अपने मन को नहीं चार्ज करेंगे संतों, चार्ज नहीं करेंगे तो वो जरे जरे दुखी होगा, जरे जरे वो क्या होगा, डाउन जाएगा, आपको बार बार एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बात बात पे वो गुस्सा में आएगा, बात बात पे इरिटेट होगा, बात बात पे घर पे झगड़े होंगे, भागने का मन करेगा, खून करने का मन करेगा, लोगों को क्या नहीं हो जाता है अंदर ही अंदर आप देखो, क्योंकि कंप्लीटली डिस्चार्ज आउट ऑफ बैटरी, आत्मा ही तो सोर्स है, चार्ज तो हमको करना है ना, वो तो सत्संग से ही चार्ज होगा। तो समय देना, भले इतना सा भी समय दो पर देना जरूरी है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ, यू हैव टू हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ। अपना ही हाथ अपने सिर पर रखकर अपने को आशीर्वाद आपको देना है। अंदर में स्टार्ट करो इस निश्चय से कि मेरे को इस शुभ यात्रा पे निकलना है। यात्रा बाहर की तरफ नहीं है, यात्रा अंदर की तरफ है। गुरु का एक एक वचन मेरे लिए अमृत का पान है, इसको पीना है। संतों सब अपनी वाणी सुने, वाणी पर ध्यान दें और अपना अपना जीवन बनाए। जन्म बहुत सुंदर है संत, खाली खाना पीना उठना बैठना सोना जागना बात करना हंसी मजाक, खाली इसमें गवाना नहीं है। भले ये सब तो होगा ही, पर साथ साथ मन को उजाले की तरफ भी लेके जाना है। उम्र को निकलते हुए समय नहीं लगता, समय को निकलते हुए भी समय नहीं लगता। कल कौन सी हालत मेरे दरवाजे के आगे खड़ी होगी मुझे ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। समझ में आता है, जब तक इंद्रियों का साथ है तब तक अपना काम कर डालो, तब तक अपना काम कर डालो, इतना अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर डालो कि बाहर से कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, मेरा मन टस से मस नहीं हिलेगा।